हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 5 की GBSC की साइंस की लेसन नंबर 7, आई लव गुजरात। इट इज़ अ फ्लैमिंगो। आप बाजू में जो पिक्चर देख रहे हैं वो यहाँ पे एक छोटे से बर्ड का नाम है, फ्लैमिंगो कुछ इस हिसाब से दिखता है। एवरी ईयर इट माइग्रेट टू द गुजरात, और हर साल ये गुजरात में आते हैं माइग्रेट करके। माइग्रेट का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब बर्ड वेदर चेंज होने की वजह से जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। फ्लैमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ अ गुजरात। देखने जाएंगे तो गुजरात में आपको फ्लैमिंगो देखने को मिलेंगे। फ्लैमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, और फ्लैमिंगो इंडिया में नहीं रहते, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अलॉन्ग विद द फ्लैमिंगो अदर बर्ड ऑल्सो कम। फ्लैमिंगो के साथ साथ दूसरे बर्ड भी आते हैं। बर्ड्स कमिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड, और जो भी बर्ड्स फॉरेन की कंट्री से इंडिया में आते हैं तो उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। हाँ, इट सीम्स गुजरात हैज़ कम दिस टाइम, आई हैव टू सी द एंटायर गुजरात। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है एक पर्सन के, अच्छा ठीक है, गुजरात हम लोग, गुजरात में मुझे जाना है, मुझे पूरे गुजरात को घूमना है। चिंकारा बोल रहा है, कम ब्रदर फ्लैमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात। और यहाँ पे चिंकारा फ्लैमिंगो को इंडिया में वेलकम कर रहा है, गुजरात के अंदर वेलकम कर रहा है। आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ द कच्छ, और चिंकारा बोलता है कि मैं तुम्हें कच्छ का पूरा डेजर्ट दिखाऊंगा। फ्लैमिंगो बोलता है यहाँ पे, हियर मोर क्वान्टिटी ऑफ अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस इजंट इट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, नहीं, फ्लैमिंगो यहाँ पे बोलता है। चिंकारा ये रहा, बाजू में यहाँ पे एक प्राणी दिखाया हुआ है आपको, बाजू में पिक्चर में देखने को मिल रहा है। येस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट ऑफ अवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन द स्मॉल डेजर्ट ऑफ द कच्छ। और यहाँ पे चिंकारा बोलता है कि हाँ, आधे से ज़्यादा जो सॉल्ट है वो हमारी कंट्री में, यहाँ पे छोटे से जो डेजर्ट है कच्छ में, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इन एडिशन टू दैट, खंडला हार्बर लोकेटेड इन द बे ऑफ कच्छ इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री। देखने जाएंगे तो पूरी कंट्री का जो सेकेंड हार्बर है, हार्बर का मतलब ये होता है जहाँ पे बोट खड़ी रहती है, ठीक है। सो बे ऑफ जो कच्छ है वो सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर माना जाता है हमारे पूरे इंडिया में। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ प्रॉम्प्टेड हियर, जो इंटरनेशनल ले बेचने का जो भी कारोबार है वो यहाँ से होता है। फ्लैमिंगो बोलता है, फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी अ कच्छ टू मी, आई हैव टू सी द एंटायर गुजरात। यहाँ पे फ्लैमिंगो बोलता है कि तुमने तो मुझे कच्छ के बारे में बता दिया, लेकिन मुझे तो पूरा गुजरात देखना है। आई विल लीव नाउ, बाय बाय। और वैसे करके बोलता है कि मुझे तो पूरा गुजरात देखना है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। ग्रास ग्रोविंग इन द बनी रीजन ऑफ द कच्छ इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया, पूरे एशिया में सबसे लंबी ग्रास कच्छ में ग्रो होती है, जिसको बोलते हैं बनी रीजन में ग्रो होती है, और एकदम बड़ी बड़ी लंबी लंबी ग्रास होती है। थिंक एंड से, देखेंगे, विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम द अदर प्लेसेस। आप अपने विलेज में जब भी जाओगे तो आपको ऐसी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी अलग अलग बर्ड्स है वो आपके गांव में आती है। व्हाई डू द बर्ड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री माइग्रेट टू अवर स्टेट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीजनल चेंज की वजह से वो जनरली एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। नाउ फ्लैमिंगो हैज़ रीच टू दी पीरोटन आइलैंड ऑफ द जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द बे ऑफ कच्छ। फ्लैमिंगो आगे जाके जामनगर के एक पीरोटन आइलैंड में जाके रुकता है जो बे ऑफ कच्छ के पास है। फ्लैमिंगो बोलता है, यस डॉल्फिन, और यहाँ पे उनको डॉल्फिन मिलती है। यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड फ्रॉम द कोल्ड रीजन्स बट ड्यूरिंग द विंटर वी कम टू द इन गुजरात। वो बोलते हैं कि हाँ डॉल्फिन, हम लोग फॉरेन कंट्री से आए हैं और वहाँ पे ठंडी की सीजन चल रही है, इसलिए हम लोग गुजरात आए हैं। अबडासा ऑफ द कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ अ फ्लैमिंगोस। यहाँ पे कच्छ में एक जगह का नाम है अबडासा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैमिंगो देखने को मिलते हैं। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात, हैंस वी कम हियर। और डॉल्फिन को फ्लैमिंगो बोलता है कि इस बार हम लोग गुजरात को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। डॉल्फिन बोलते हैं, कम विद मी एंड सी हियर आर द कोरल रिफ। डॉल्फिन यहाँ बोलती है कि तू चल मेरे साथ, मैं यहाँ पे तेरे को कोरल रिफ दिखाती हूँ। कोरल रिफ मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट पौधे पानी के अंदर, पानी के नियर बाय, दरिया किनारे देखने को मिलते हैं। देर आर स्टार फिश, जेली फिश, डॉल्फिन फिश लाइक मी। उसने बोला डॉल्फिन ने कि मेरी तरह बहुत सारी अलग अलग टाइप की फिश देखने को मिलेगी, वो है स्टार फिश, जेली फिश, डॉल्फिन, वैसे करके अलग अलग फिश। इवन सी ककुम्बर, टॉर्टॉइस एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो देर। और सी के अंदर जो अलग अलग एनिमल है जैसे कि ककम्बर, टॉर्टॉइस और ऑक्टोपस भी देखने को मिलेंगे। डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारी कंट्री का, और डॉल्फिन को सबसे बड़ा पानी के अंदर रहने वाला एनिमल माना जाता है। ये है लायन। लायन बोलता है फ्लैमिंगो को कि वेलकम फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो से, डू यू लिव हियर? और फ्लैमिंगो उसको बोलता है कि आप यहाँ पे रहते हो? तो लायन बोलता है, येस, वी आर फाउंड ओनली इन द गीर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। पूरे एशिया में सिर्फ गीर फॉरेस्ट ही है, गुजरात में वो भी हम लोग वही पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरी फॉर द एशियाटिक लाइन इन द एंटायर एशिया। पूरे एशिया में लाइन के लिए एक सेंचुरी रखी गई है, एशियाटिक लाइन के लिए, वो यहाँ पे ही पाई जाती है।
फ्लैमिंगो पूछता है व्हाट इज सेंचुरी, सेंचुरी क्या होती है, तो लायन बोलता है अ प्रोटेक्टेड रीजन्स वेयर द एनिमल एंड देन बर्ड कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन प्रोटेक्टेड एंड द ब्रेड इज नोन एज सेंचुरी। लायन सेंचुरी की डेफिनेशन देखते हुए बोलता है कि ऐसी एरिया है जो एनिमल और बर्ड के लिए रखी जाती है ताकि बर्ड और एनिमल फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पर बिना डर के घूम पाए और उनकी रक्षा की जाती है और उनके जो भी बेबी है उनकी भी रक्षा की जाती है। देर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर द एनिमल लाइक बियर, वाइलेस, ब्लैक बक एंड चिंकारा। इंडिया के अंदर देखने जाए तो गुजरात के अंदर बहुत सारी सेंचुरीज हैं जो बियर, वाइलेस, ब्लैक बक और चिंकारा जैसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। फ्लैमिंगो गोज टू द गिरनार, फ्लैमिंगो फिर गिरनार जाता है। देर आर द अदर हिल्स ऑल्सो इन द गुजरात, बहुत सारी दूसरी अलग अलग हिल्स भी होती हैं, माउंटेन्स, पहाड़, अदर द पापागढ़ इन देन विंध्याचल हिल्स रेंजेस इन द पंचमहल, आरासुर इन देन अरावली रेंजेस ऑफ द बनासकांठा, सापुतारा इन द सतपुरा रेंजेस ऑफ द धांग डिस्ट्रिक्ट, डांग डिस्ट्रिक्ट एंड द शेत्रुंजय इन देन भावनगर। यहाँ पे अलग अलग माउंटेन्स के बारे में बताया गया है कि जो पंचमहल है वहाँ पे पावागढ़ है विंध्याचल हिल्स के ऊपर, आरासुर है वरावली रेंजेस पे है जो बनासकांठा में, सापुतारा है जो सतपुरा रेंजेस पे है जो डांग डिस्ट्रिक्ट में है, और शेत्रुंज जो पर्वत है जो भावनगर में है। देर आर मैनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात, और गुजरात के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की बड़ी छोटी हिल्स देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आपके एरिया में जो जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप वो हिल्स के नाम लिख सकते हो और वो एरिया के नाम लिख सकते हो। देर आर द बिग सेंटर ऑफ द फिशरी इन देन वेरावर अलॉन्ग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ द गुजरात। गुजरात का कोस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे फिशरी के लिए बहुत बड़ा सेंटर है वेरावल में। अ फ्लोरिशिंग इन इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ द रैक शिप्स ट्राइविंग इन एन अलग पोर्ट इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अलग पोर्ट, पोर्ट का नाम है अलग पोर्ट, वहाँ पे ये फिश को बड़ा किया जाता है, शिप को बनाया जाता है, उसका बड़ा बड़ा बिजनेस लिया जाता है। बाम्बू, सादर, हादोड्रो, हादोड़वो, शीशम, टिमरू जैसे ट्रीज ग्रो किए जाते हैं और यहाँ से ये सारे वुड अलग अलग टाइप के डांग से मिले जाते हैं। वुड जो बिल्डिंग बनाने के लिए टिक बहुत अच्छा माना जाता है वो भी यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज़ अ फॉरेस्ट रीजन, पूरा डांग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट से भरा पड़ा है। ब्यूटीफुल बोटानिक गार्डन है, वगाई और गीरा फॉल आर ऑल्सो देयर, और वगाई और गीरा फॉल जहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरता है उसको फॉल बोलते हैं, और आजू बाजू बोटानिक गार्डन भी बहुत अच्छा है। सापुतारा ऑफ अ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ द गुजरात, और पूरे गुजरात में सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है वो है सापुतारा। गुजरात इज द रीजन ऑफ अ मैनी रिवर, नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर, साबरमती, तापी, महान, महीसागर आर ऑल्सो बिग रिवर इन गुजरात। गुजरात में बहुत सारी नदी है, उसमें नर्मदा रिवर सबसे बड़ी है, उसके अलावा साबरमती, तापी और महीसागर भी बड़ी रिवर में आती है। नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बना गया है, उसको बोलते हैं सरदार सरोवर डैम, और ये इरीगेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि आजू बाजू के एरिया बहुत ही सूखे पड़े होते हैं, कच्छ है, राजस्थान है, वहाँ पे इरीगेशन स्कीम के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है। वाटर इज सप्लाई अप टू कच्छ एंड दिस डैम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और ये डैम में से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। द फ्लैमिंगो फ्ल्यू फ्रॉम द नर्मदा रिवर एंड रीच गांधीनगर कैपिटल ऑफ द गुजरात विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद, खदाना डैम ऑफ महीसागर। फ्लैमिंगो फिर उड़ते उड़ते नर्मदा नदी पे जाता है, फिर धीरे धीरे वो गांधीनगर जाता है, गांधीनगर हमारे गुजरात का कैपिटल है, फिर वो अमूल डेयरी को विजिट करता है वो जो आनंद में है, और कंडाना डैम जो महीसागर नदी के ऊपर बनाया गया है। गांधीनगर इज़ द सिटी ऑफ गुजरात पोजेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्री, गांधीनगर में सबसे ज़्यादा ट्री है गुजरात के अंदर, टोटल जितने ट्री है उससे ज़्यादा भी गांधीनगर में बहुत ज़्यादा ट्रीज है। फ्लैमिंगो वहाँ पे विजिट करता है, फ्लैमिंगो फिर धीरे धीरे वहाँ से आगे जाके इंडोरा पार्क जाता है, महात्मा मंदिर जाता है, फ्रॉम देयर इट वेंट टू अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, और फिर वो अहमदाबाद जाता है जो साबरमती नदी किनारे आया हुआ है। दिस इज़ द गांधी आश्रम, जय हो गांधी बापू, और वो बोलता है कि ये गांधी आश्रम है, जय हो गांधी बापू, वाओ। कनकारिया लेक इज ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटिफुल, वो बोलते हैं कि जो कनकारिया लेक है वो कितना खूबसूरत है। नाल सरोवर इज द बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। नाल सरोवर करके एक बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बर्ड देखने को मिलेंगे जो अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर में है। ऑन द ऑनसेट ऑफ द विंटर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर हियर, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फॉरेन बर्ड भी देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे फ्लेमिंगो फिल एट दी एंड बोलता है आई एंजॉय इन गुजरात, एंजॉय अ लॉट, आई लव गुजरात. वो बोलता है कि मुझे गुजरात में बहुत मज़ा आया, मुझे गुजरात बहुत पसंद आया. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.